दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह सर सीपीआरएस कोटा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारा जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट है इतिहास। ये इतिहास न केवल आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है बल्कि मेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसीलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या होता है। तो इसके अंतर्गत देखिए, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला बिंदु आपका आता है वो आता है इतिहास के स्रोत। अब देखिए, जब कोई भी चीज अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये जानते हैं कि उसके बारे में जानकारी हमें मिल कहाँ से रही है। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इतिहास के स्रोत। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि इतिहास के जो स्रोत हैं वो दो तरीके के होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक के अंतर्गत आप ये मान लीजिए कि जो सिक्के होते हैं, भवन होते हैं या जो वास्तुकला, स्थापत्य कला जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पुरातात्विक के अंतर्गत। और जो सेकंड है वो आता है आपका साहित्यिक। अब साहित्यिक यानी लिटरेचर, इसमें हम उन स्रोतों को रखते हैं जो हमें लिटरेचर फॉर्म में प्राप्त होते हैं, जैसे कि वेद। ठीक, इसके अलावा जो आपके विदेशी यात्री आए थे उनके जितने भी वृत्तांत हैं वो सब रखे जाते हैं आपके साहित्यिक स्रोतों में। तो अब जब हमने साहित्यिक स्रोतों से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो इतिहास का पहला चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल से। इसको बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये होता है आपका आदिमानव का काल। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि आदिमानव का जीवन कैसा था, कैसे वो शिकारी से एक जगह रहने वाला, कृषि करने वाला बना। ठीक है, उसके बाद, इसके जस्ट बाद जो आता है आपका वो आता है वैदिक काल। इस वैदिक काल में हम जानेंगे आर्यों के बारे में। देखिए, वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है वेदों से, इसीलिए इसका नाम वैदिक काल पड़ा। और इस वैदिक काल के बाद हम जानेंगे उत्तर वैदिक। लेकिन एक चीज आप समझिए कि प्रागैतिहासिक काल जो कि पूरा का पूरा एक शिकारी जीवन था, उसके बाद वैदिक काल आता है जो एक ग्रामीण जीवन था, इसी के बीच में हमें एक ऐसी सभ्यता प्राप्त होती है जो कि नगरीय थी। इसीलिए आज के इतिहासकार में जो मतभेद है वो यही है कि पहले शिकारी जीवन और बाद में ग्रामीण जीवन, तो उसके बीच में जो सिंधु सभ्यता मिलती है वो नगरीय कैसे हुई। इसलिए आज भी ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई। तो इन दोनों के बीच में हमें टॉपिक कवर करना है जिसका नाम होता है सिंधु सभ्यता। देखिए, अब वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल की स्थिति पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल ऐसी स्थिति था जहां पर लोग थोड़े विकसित होना शुरू हो जाते हैं। जो आपका समाज होता है वो जातियों में बंटना शुरू हो जाता है। जो कबीले थे वो एक गांव के रूप में स्टेबल होना शुरू कर देते हैं, यानी जन, और जन से जनपद बनना शुरू हो जाते हैं। और जनपद आप एक बहुत सरल शब्दों में समझिए, जनपद का मतलब होता है एक गांव या नगर। उसके बाद जब ये नगर बनना शुरू हुए जनपद, तो एक काल ऐसा आता है कि वो सब जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये महाजनपद क्या है? महाजनपद का आपका आज से आशय लगा लीजिए एक बड़ा राज्य। तो ये बड़े राज्य हम जानेंगे कि ये कौन से जन महाजनपद थे, और इन्हीं महाजनपदों में आगे जाकर आपके मगध का उत्कर्ष होता है। ठीक है, यानी महाजनपद, 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है, उसमें से एक महाजनपद था मगध। अब ये मगध जो है इसी का उत्कर्ष होता है इतिहास में, और सारी घटना मगध के आसपास चलती है। मगध का उत्कर्ष इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति देखोगे तो आप पाओगे कि मगध की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। और जब पटना को आप ज्योग्राफी के रूप में देखोगे तो पाओगे कि वहां पे गंगा और यमुना का दोआब है, और उस जगह जब जहां कृषि अच्छी हो रही है तो वहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। इसी कारण मगध पूरे इतिहास में सुदृढ़ होकर उभरता है और सारा इतिहास मगध के आसपास चलता है। इस क्रम में हम मगध में जानेंगे कि कौन कौन से वंशों का उदय हुआ, किसने मगध को पहली राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को किसने बनाया, ये सारी चीजें हम यहां पे जानेंगे।
उसके बाद देखिए हमारे जो दो मेन प्राचीन इतिहास में टॉपिक पढ़ने हैं वो आते हैं आपके मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। ये दो ही हमें इसमें पढ़ने होते हैं, यानी एक बार स्त्रोत हमने जान लिए, ठीक है, उसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल जाना, वैदिक काल जाना, मगध का उत्कर्ष हम यहां तक आ गए, और उसके बाद केवल दो सब्जेक्ट, दो टॉपिक है हमारे, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। लेकिन इसके बीच में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें हमें जानना जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए जब मगध का उत्कर्ष होता है तो यहाँ पे छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, लेकिन ये पूरे एक अखिल भारतीय लेवल पर पूरा राज्य स्थापित नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पर विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब केंद्रीय प्रशासन कमजोर होता है तो उसी वक्त हमेशा विदेशी शक्तियां आक्रमण करती है। यहां मगध का उत्कर्ष हो रहा था लेकिन ये इतना मजबूत नहीं था, तो इसी कारण से विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि यहीं पे आपका सिकंदर का आक्रमण, ठीक। उसके बाद हमारा जो आता है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य को, अशोक को, इनके शासन प्रशासन को, और उसके जस्ट बाद आपका आता है गुप्त साम्राज्य। लेकिन देखिए जब अशोक, अशोक जैसा एक छत्र राज्य स्थापित करने वाला राजा, जब धीरे धीरे उसके वंशज आते हैं तो वो उस पूरे राज्य को संभाल नहीं पाते, तो वही आपकी सत्ता कमजोर होती चली जाती है और वहां पर कुछ छोटे राजवंशों का उदय होना शुरू होता है। जिन छोटे राजवंशों को हमें इसके अंतर्गत कवर करना है वो है देखिए आपके शुंग वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश। ये तीन वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अस्तित्व में आते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जब आपका केंद्रीय प्रशासन कमजोर होता है तो विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी के बीच मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच एक बार फिर से विदेशी आक्रमण होते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे शक और कुषाण लोगों को, कुषाण जिसमें आपका एक प्रसिद्ध राजा हुआ कनिष्क, ठीक है। कनिष्क ये वही थे जिनके दरबार में चरक एक उनकी शोभा बढ़ाते थे, चरक संहिता आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। इसी के बाद देखिए हम संगम काल को भी पढ़ेंगे। अब ये संगम काल क्या है, देखिए ये सारी चीजें जो चल रही है ये उत्तर भारत में चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दक्षिण भारत में भी कुछ चल रहा होगा। तो दक्षिण भारत में जो इतिहास चलता है वो हमें ज्ञात होता है संगम साहित्य से, इसीलिए इस काल को संगम काल कहा जाता है। और इस संगम काल के अंतर्गत तीन राज्य हमें पढ़ने होंगे, चेर, चोल और पांडे, ठीक है। तीन राज्य चेर, चोल और पांडे, और इन सब के बाद एक और अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। अब देखिए इसके बाद का जो है वो मैंने इधर बनाया है, आप इधर देखेंगे, देखिए गुप्त साम्राज्य इसके अंतर्गत हम चंद्रगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सबको जानेंगे, उनका राज्य, उनकी सामाजिक स्थिति, प्रशासन, सैनिक व्यवस्था, इन सब चीजों को हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। अब देखिए गुप्त साम्राज्य भी धीरे धीरे जब उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है तो वापस से एक बार विदेशी आक्रमण होते हैं, और इस विदेशी आक्रमण में हम पढ़ेंगे हूणों को। हूण एक विदेशी जाति थी जिसने भारत पर आक्रमण किया, कब, जब गुप्त साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। उसके बाद देखिए कि एक और वंश उत्तर भारत में अस्तित्व में आता है जिसमें था हर्षवर्धन, इसको कहा जाता है पुष्यभूति वंश। तो ये गुप्त साम्राज्य के बाद अस्तित्व में आया, इसलिए इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखिए स्थिति क्या है, गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका है, हर्षवर्धन था जिसने थोड़े समय के लिए उत्तर भारत को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका भी पतन हो जाता है। अब स्थिति ऐसी आती है कि उत्तर भारत में एक अलग क्षेत्रीय राज्य बन जाते हैं और दक्षिण भारत में अलग क्षेत्रीय राज्य बन जाते हैं। तो उत्तर भारत के अंतर्गत जो हमें पढ़ना होगा वो कहलाएगा आपका राजपूत काल, यानी इस समय उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, और ये जो आपका टाइम पीरियड है वो 800 से लेकर 1200 का माना जाता है। इसके अंतर्गत सारे राजपूत जो राजपूताना में पैदा हुए, जैसे कि चौहान वंश, परमार वंश, ठीक है, गहड़वाल वंश, यहां तक कि कश्मीर के राजपूत वंश भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये स्थिति हो गई उत्तर भारत की, और इसी समय दक्षिण भारत में जो राजवंश पैदा हो रहे थे वो थे हमारे वाकाटक, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल,
ठीक है, ये पूरे पांच राजवंश थे जो दक्षिण भारत में पनप रहे थे। कौन कौन से? वाकाटक, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। तो देखिए, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया प्राचीन भारत का। यहां तक हमें पूरा प्राचीन भारत में कवर करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इनके जो फैक्ट्स होते हैं, जो प्री में पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।